नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क। मेरा नाम अनुराग गुप्ता है। इंडियन प्रीमियर लीग का मेगा ऑक्शन समाप्त हो चुका है। दो दिन तक चलने वाले ऑक्शन में 204 खिलाड़ियों पर टीमों ने दाव लगाया, जिनमें 137 भारतीय और 67 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। इस बार के ऑक्शन में विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन सबसे महंगे बिके, जिन्हें मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। ईशान किशन आईपीएल इतिहास में दूसरे सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी थे। इससे पहले युवराज सिंह पर दाव लगाया गया था। ऑक्शन के दूसरे दिन इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टन को सबसे ज्यादा कीमत मिली। लिविंगस्टन को पंजाब किंग्स ने 11 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा। हालांकि क्रिकेट प्रशंसक जोफ्रा आर्चर पर की गई बोली से सबसे ज्यादा हैरान थे, क्योंकि चोटिल जोफ्रा आर्चर इस साल उपलब्ध नहीं रहेंगे। इसके बावजूद राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस ने उन पर बोली लगाई और अंततः मुंबई ने उन्हें 8 करोड़ रुपए में खरीद लिया। कौन बनेगा किस टीम का कप्तान? आईपीएल की सभी 10 टीमों ने अपनी रणनीतियों के तहत खिलाड़ियों का चयन कर लिया। ऐसे में इन टीमों की कमान कौन संभालेंगे, इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। ऐसे में हम आपको सभी 10 टीमों के संभावित कप्तानों की जानकारी देंगे। हालांकि अधिकतर टीमों के पास कप्तान मौजूद हैं, लेकिन कुछ टीमें ऑक्शन के कप्तानों को तलाश कर रही थी, जिनमें कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स शामिल हैं। माना जा रहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स श्रेयस अय्यर को कप्तानी सौंप सकती है, इसलिए तो टीम ने उन्हें 12 करोड़ 25 लाख रुपए देकर खरीदा है। लेकिन इनके पास एक और विकल्प मौजूद है और वो है अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे को कप्तानी करने का अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन मौजूदा समय में वो अपनी फॉर्म से जूझते हुए देखे गए हैं। आरसीबी की बात की जाए तो पिछले सत्र के दौरान विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद टीम को कप्तान की जरूरत थी। ऐसे में आरसीबी ने ग्लेन मैक्सवेल को रिटेन किया और ऑक्शन में टीम ने फॉक डुप्लेसिस पर दाव लगाया। लेकिन फॉक डुप्लेसिस लंबी रेस के घोड़े नहीं है, क्योंकि उनकी उम्र बाधा बन सकती है। ऐसे में शानदार फॉर्म में चल रहे मैक्सवेल पर टीम भरोसा जता सकती है। वहीं पंजाब किंग्स ने शिखर धवन पर दाव लगाया, उन्हें टीम में शामिल भी कर लिया। माना जा रहा है कि प्रीति जिंटा की टीम शिखर धवन को कप्तान बना सकती है, जिन्हें 8 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा गया। हालांकि टीम के पास मयंक अग्रवाल भी विकल्प के तौर पर मौजूद हैं। पिछले सत्र तक केएल राहुल टीम की कमान संभाल रहे थे, लेकिन वो अब लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान होंगे। इन टीमों में पहले से मौजूद हैं कप्तान। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की कमान रोहित शर्मा संभालेंगे। मुंबई इंडियंस एकमात्र ऐसी टीम है जिसने सबसे ज्यादा खिताब अपने नाम किए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की बात की जाए तो महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में टीम की कमान होगी, जिन्होंने 4 बार टीम को विजयी बनाया। हालांकि ऐसी भी खबरें हैं कि धोनी सीएसके का भविष्य देखते हुए एक कप्तान को निखारने की भूमिका में हो सकते हैं। ऐसे में रवींद्र जडेजा को कप्तान बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। दिल्ली कैपिटल्स की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत पर भरोसा जताया है, जिनकी कप्तानी में पिछला आईपीएल खेला गया। हालांकि टीम के पास एक और विकल्प उपलब्ध हो गया है, जिन्हें ऑक्शन में खरीदा गया। दिल्ली ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वार्नर को अपनी टीम में शामिल किया है। सनराइजर्स हैदराबाद कीन विलियमसन की कप्तानी में आगे बढ़ेगी। टीम ने साल 2016 में डेविड वार्नर की कप्तानी में खिताब जीता था। हालांकि हैदराबाद जब डेक्कन चार्जर्स के नाम से जानी जाती थी, तब भी एक खिताब अपने नाम किया था। गुजरात टाइटंस की बात की जाए तो टीम अपना पहला सीजन खेलेगी। ऐसे में टीम ने लोकल बॉय हार्दिक पांड्या पर भरोसा जताया था और उन्हें 15 करोड़ रुपए में खरीद कर कप्तानी सौंपी है, जो पिछले सत्र तक मुंबई इंडियंस के क्ली प्लेयर थे। इस बार पांड्या ब्रदर्स एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए दिखाई देंगे। हार्दिक जहां गुजरात से तो कृणाल लखनऊ से खेलेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।